Hello everyone, my name is Sarfaz, as you know. So today we are going to learn about noun. Okay, but before that it is better to mention here that there are 8 parts of a speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. So in this video we will learn about noun only. And there are many types of noun, so we'll have to discuss in this video. Noun is simply noun hota kya hai. Noun naam hota hai. Duniya mein jitne bhi cheeze hain, agar wo unke naam hain to sab ke sab noun hai. Lakdi ho, ladka ho, ladki ho, jo bhi ho. Main hu, noun hu. Mere papa noun hai, meri mummy noun hai. Agar unke naam hain to noun hai. Ab wo naam common noun, common name hai to wo common noun hai. Agar खास नाम है तो प्रॉपर नाउन है. किसी चीज़ का नाम है तो मटेरियल नाउन है, जिससे कोई चीज़ नई चीज़ बनती हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ चावल, दाल, तेल वगैरह, ये जितनी चीज़ें हैं जो मटेरियल्स हैं जो खाने पकाने में यूज़ होते हैं, या वो सारी चीज़ें जिससे कोई नई चीज़ बनती हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, चांदी है, सोना है, ये सारी चीज़ें मटेरियल नाउन में आ जाते हैं. या कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो सारे नाउन को हम क्या नाम देंगे? तो उसको हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम दिया है, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनको हम एहसास कर सकते हैं, बट उनको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि वो कंक्रीट फॉर्म में नहीं है. और इसका बेहतरीन एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि समझ लीजिए कि मैं एक ईमानदार आदमी को देख सकता हूँ, उसको छू सकता हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी को नहीं छू सकता, मैं दोस्ती को नहीं छू सकता, मैं प्यार को नहीं छू सकता, मैं नफरत को नहीं छू सकता. तो दीज आर द थिंग्स विच आर यू नो नॉट इन कंक्रीट फॉर्म्स, सो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं. तो हमें ये समझना है कि नाउन नाम को कहते हैं, सिंपल. ये एक वर्ड में हम बताएं आपको तो नाउन सिर्फ नाम को कहते हैं. दुनिया में जितने भी नाम हैं सब नाउन हैं. अब आते हैं इसको डिविज़न. तो फर्स्ट प्रॉपर नाउन, दुनिया में जितने भी खास नाम हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी बॉयज़ स्टैंडिंग ओवर देयर, बहुत सारे लड़के खड़े हैं. एंड अगर मैं कहता हूँ प्लीज़ कम हियर, सो माइट बी मेनी मेनी स्टूडेंट्स, मेनी बॉयज़, मेनी गर्ल्स कैन कम एट द सेम टाइम. बट व्हेन आई विल से, इफ़ आई विल टेल द नेम, ओ सलीम प्लीज़ कम हियर, तो ओनली सलीम विल कम. आई विल से रिहान प्लीज़ कम हियर, सो ओनली रिहान विल कम. सो रिहान इज़ अ पार्टिकुलर नेम, सलीम इज़ अ पार्टिकुलर नेम. सो जब पार्टिकुलर किसी का नाम बोलते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है. अब मैं इसका और भी एग्जाम्पल दे दूँ. अगर हम लोग बोलते हैं लकड़ी, तो वो लकड़ी कुछ भी लकड़ी हो सकती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ शाह बलूत की लकड़ी तो काफ़ी अलग है. मैं ट्री बोलूँ तो ठीक है, कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे मैं सनोबर बोलता हूँ, या जैसे ही मैं शीशम बोलता हूँ, जैसे मैं उसका नाम देता हूँ, वो हो जाता है प्रॉपर नाउन. मैं बोलता हूँ लड़का, दैट इज़ कॉमन नाउन, बट लड़के का नाम बोल दिया तो प्रॉपर नाउन, लड़की प्रॉपर कॉमन नाउन, लेकिन लड़की का नाम बता दिया तो प्रॉपर नाउन. ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है. तो कॉमन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, ये तो समझ में आ गया. नेक्स्ट हमारे पास है समझना जो है मटेरियल नाउन, वो सारी चीज़ें जिससे नई चीज़ें बन रही हैं, सिंपल. और चौथा है हमारे पास, वो है हमारा कलेक्टिव नाउन, जो हम सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं लेकिन उससे पूरी ग्रुप को समझा जाता है, ठीक है. अब मैं बोलूँ आर्मी, तो मैं आर्मी बोलूँ तो क्या आर्मी का मतलब एक पर्सन तो होता नहीं है. अगर आर्मी मैन बोलता हूँ तो चलो ठीक है, एम ए एन है तो एक आर्मी मैन बोल सकते हैं, लेकिन आर्मी मैन होता नहीं है, आर्मी मैन ही होता है, ठीक है. आर्मी बोलने से मतलब हो गया कि आप एक ग्रुप को छोड़. हम वो कैटल बोलते हैं तो एक कैटल से तो सिर्फ एक गाय और एक भैंस तो भाई होगा नहीं, वो तो पूरे ग्रुप को, जहाँ पर जिसको हम लोग हिंदी में जनरली खटाल बोल देते हैं, ठीक है, दैट इज़ कैटल. कैटल इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिविंग टुगेदर एनीवेयर, ओके. इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हमें रटना पड़ेगा. हम लोग बेबी बोलते हैं, ठीक है, बेबी BEVY. हम लोग बोलते हैं क्राउड ऑफ पीपल, हम लोग बोलते हैं स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, और शॉल ऑफ फिश बोलते हैं, जैसे फिश बहुत ज़्यादा फिश एक ही जगह जो बैठी हुई रहती है उनको हम लोग शॉल बोलते हैं. वहाँ पे स्कूल ऑफ फिश तो नहीं होता है, शॉल ऑफ फिश मैंने पढ़ा है. अगर आपको कहीं पता चले कि नहीं भाई शॉल ऑफ फिश भी होता है, स्कूल ऑफ फिश भी होता है, तो देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए ताकि मैं आपसे सीखूँ. वी आर नॉट टीचर्स, वी आर लर्नर्स, ओके. एवरी डे वी आर लर्निंग, यू आर लर्निंग फ्रॉम मी एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, ओके, फ्रॉम योर साइड. हमारे पास जो नेक्स्ट बचा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम फील कर सकते हैं. मैंने बता दिया है लव, हैट्रेड,
फ्रेंडशिप सिटीजनशिप शहरी दैट इज़ अ कॉमन नाउन। अगर सिटीजन हो तो ठीक है, वो तो चलो भाई कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे ही मैं बोला सिटीजनशिप, सो वो तो नाउन है बट वो अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि हम शहरी को तो छू सकते हैं लेकिन शहरियत को नहीं छू सकते। अगर मैं बोलूँ कि मैं मेरा दोस्त, सो दोस्त को तो छुआ जा सकता है बट दोस्ती को नहीं छुआ जा सकता, उसको फील किया जाता है, ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। एयर कुछ लोग मतलब मैंने बुक में देखा है एयर जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, तो एयर भी माना गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। ये हुआ हमारा एक डिवीज़न ऑफ नाउन्स और टाइप्स ऑफ नाउन्स। एक और कहा जाता है कि जैसे हम लोग नाउन को दो हिस्सों में बांट के रखे हैं, फॉर एग्जांपल एक काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल नाउन कौन है भाई? चावल है, चावल को गिन सकते हैं? नहीं, तो चलो भाई वो अनकाउंटेबल है। ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, जो भी मटेरियल नाउन है, जनरली वो अनकाउंटेबल हैं, जनरली वो अनकाउंटेबल हैं। जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल हो गए। तो क्या स्टार को भी तो काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते हैं? स्टार्स को, स्टार्स तो अनकाउंटेबल, ठीक है, लेकिन सिंपल बात है कि हम लोग मच स्टार्स तो कभी नहीं बोलते, मैनी स्टार्स बोलते हैं, ये एक्सेप्शन है। इसी तरह मनी का बात आती है, पैसा, तो हम लोग नोट गिन सकते हैं, सिक्का गिन सकते हैं, लेकिन पैसे का जब बात आती है तो हम लोग मैनी मनी नहीं बोलते हैं, मच मनी बोलते हैं। तो मच का जनरली हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वहाँ मच यूज़ करते हैं, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसमें हम मैनी यूज़ करते हैं। तो सवाल ये है कि दो एक्सेप्शन हमारे सामने हैं, एक तो मनी है जिसको हम काउंट तो कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? मच मनी यूज़ कर रहे हैं। स्टार्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर हम लोग मैनी स्टार्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम गूगल करें तो हमें मिलेगा कि देर आर सम एक्सेप्शनल, देर आर मैनी एक्सेप्शंस। ओके, तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम नाउन को समझ पाए। हमने सबसे पहले क्या सीखा? नाउन नाम को कहते हैं। फिर हमने क्या सीखा कि नाउन के बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि एक प्रॉपर नाउन है, दूसरा कॉमन नाउन है, तीसरा हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, चौथा हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें हमारे पास आ गया मटेरियल नाउन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना है, और हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ हमें मच यूज़ करना है, कहाँ हमें मैनी यूज़ करना है। अरे बॉय, बॉयज़ काउंटेबल है, मैनी बॉयज़, गर्ल्स मैनी गर्ल्स, सम गर्ल्स, लेकिन जहाँ पर हम गिन ही नहीं सकते हैं, जैसे हम बोले मैनी वाटर, क्या मतलब है मैनी वाटर? पानी को मैनी वाटर, मच वाटर ना, क्योंकि वो तो मटेरियल है ना। जनरली मैंने आपको कहा कि मटेरियल नाउन जितने हैं ज़्यादा, मेरा तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मटेरियल नाउन सबके सब अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको हम वेट वज़न कर सकते हैं, उनको दूसरे यूनिट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग का जहाँ तक मामला है हम लोग मटेरियल नाउन को जनरली काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नाउन हमारा क्लियर हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नाउन समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोनाउन समझाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप समझ पाएंगे। आई बिलीव दैट माई स्टूडेंट्स आर वेरी यू नो जीनियस एंड दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड। बच्चों को कन्फ्यूज़ नहीं करना है कि भाई बच्चों से क्वेश्चन जब वो करें तो उनको बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से उन्हें समझाने की कोशिश किया जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि नाउन, अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको नाउन क्लियर हो गया होगा कि नाउन होता क्या है, नाउन के टाइप्स कितने हैं। और 10 मिनट में पूरे एक्सरसाइज को तो मैं कंप्लीट नहीं करा सकता, इसलिए आपको नाउन क्लियर करा दिया। अब आप रे एंड मार्टिन बुक या कोई भी ग्रामर का बुक आप ओपन कीजिए, उसमें देखिए, उसमें सेपरेशन के लिए एक्सरसाइज दिया रहता है कि आप नाउन को सेपरेट कीजिए, प्रॉपर नाउन को अलग आप बनाइए, उसके लिए खाका बनाइए, उसको कॉलम बनाइए, और उसमें सारे नाउन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आप डालिए, और देखिए कि आप कहाँ तक सही हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या मेरे बताने में कुछ गलती हो गई हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कमेंट है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर से ज़रूर वक्त मिलने पे ज़रूर दूंगा। एंड आई बिलीव दिस इज़ एनफ इन दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड आई बिलीव यू विल शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप शेयर करते हैं, दोस्तों तक पहुँचाते हैं, लाइट को जहाँ तक आप दूर तक पहुँचाते हैं उतना ही अच्छा है। अभी फ़िलहाल हम ग्रामर पर ध्यान देंगे, क्योंकि ग्रामर हमारा कॉमन चीज़ है जो क्लास 8 से लेकर या क्लास 7 से लेकर, जनरली क्लास 7 में बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं ग्रामर, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक ग्रामर बहुत ज़रूरी है।
जो कि बच्चों को समझाना ज़रूरी है। जब ग्रामर के सारे मामलात सारे चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं टेक्स्ट की तरफ आऊँगा और टेक्स्ट समझाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।